हाँ जी नमस्कार, राधे राधे रर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे ब्रह्मांड में शुक्र और मंगल की युति हो रही है। शुक्र मंगल की युति को थोड़ा सा शास्त्रकारों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया है, लेकिन हमारे जैसे यूट्यूबर जो होते हैं, नए नए ज्योतिषी होते हैं, उन्होंने अलग तरीके से प्रतिपादित कर दिया है, ऐसा नहीं है। तो शुक्र मंगल की युति जो 30 मई से स्टार्ट होगी और यह 7 अगस्त को जब वक्री हो जाएंगे, 7 अगस्त को शुक्र महाराज वक्री होंगे सिंह में जाके, तब युति समाप्त होगी। तो मंगल 1 जुलाई को सिंह राशि में जाएंगे और 7 जुलाई को सिंह राशि में शुक्र जाएंगे, तो साथ साथ ही रहेंगे, साथ साथ ही रहेंगे, कुछ समय के लिए राशि का साथ छूटेगा। तो मेष राशि, मेष लग्न वालों के जातकों के लिए यह युति कैसे रहेगी, कहाँ रखनी होगी सावधानी, कहाँ रखना होगा ध्यान, आज चर्चा इसी बात की इस वीडियो पे करेंगे। तो ध्यान दे के सुनिएगा। आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके कुंडली में जो ग्रह चल रहा है वो किन भावों के कारकत्व को लेके चल रहा है। तो आपके कुंडली में मंगल धन भाव के कारकत्व को लेके चलते हैं, मंगल आपके लग्न के कारकत्व को लेके चलते हैं और शुक्र आपके धन के कारकत्व को लेके चलते हैं। मंगल की दूसरी राशि गुप्त भावों के कारकत्व को लेके चलता है, ससुराल के कारकत्व को लेके चलता है। तो शुक्र की दूसरी राशि मतलब आपके जीवन साथी के कारकत्व को लेकर चलता है। इनके युति कहाँ हो रही है, इनकी युति हो रही है चतुर्थ भाव में। किस राशि में हो रही है, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा देव ग्रुप का ग्रह है तो यहाँ मंगल को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, मंगल को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन चूँकि कर्क में जल तत्व ज़्यादा है, अग्नि तत्व नहीं है, इसलिए मंगल यहाँ पर बैठ के जल तत्व की वजह से थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा स्लो पड़ जाता है। लेकिन खास बात यह है कि मंगल का अनुगमन शुक्र कर रहे हैं, शुक्र का अनुगमन मंगल नहीं कर रहा है। नोट करिएगा पॉइंट को, शुक्र मंगल का अनुगमन कर रहे हैं, मंगल महाराज आगे आगे, शुक्र महाराज पीछे पीछे। जो युति होती है ना जीवन में सदैव काम की होती है, और युति ये भी कहती है कि हमारी आपकी युति है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की युति, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्र आपके कुंडली में धन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, सुख के घर में गोचर कर रहे हैं तो धन व्यापार बढ़ाने वाले होंगे। शुक्र मंगल युति लक्ष्मी युति होती है। देखिए पुरुषार्थ ही तो है जिसकी वजह से संपदा प्राप्त होता है। अगर आपके पास बहुत संपदा है, पुरुषार्थ नहीं है ना, तो दूसरे लोग आएंगे और छीन के चले जाएंगे। जैसे भारत में आक्रमणकारियों ने किया, आए लुटेरे आए थे, जिनको इतिहास में पढ़ाया जाता है ना, महान महान शब्द लगाया जाता है। राणा प्रताप के डर से ना इनके पैंट गीली हो जाती थी, रण क्षेत्र में आते ही नहीं थे उसके डर से। हाँ अलग बात है कि इतिहासकारों ने पढ़ा दिया महान थे। तो मंगल का अनुगमन कर रहे हैं और मंगल कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा वीक हो रहा है। कभी भी किसी ग्रह को देखिएगा तो ये देखिएगा कि वो किस नक्षत्र में है। तो 8 जून से मंगल अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे और 1 जुलाई को ये मघा में जाएंगे। तो 1 जुलाई से मंगल मनमानी करेंगे, मगा मतलब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में। तो कर्क राशि में मंगल थोड़े दबाव में रहेंगे, थोड़े प्रेशर में रहेंगे। कहाँ प्रेशर में रहेंगे, तो शत्रु राशि कन्या, शत्रु राशि जो बुध है, बुध के नक्षत्र अश्लेषा में है, अश्लेषा बांध देता है, थोड़ा दबाव में रहेंगे। शुक्र कहाँ है, तो शुक्र महाराज की जो कंडीशन है, शुक्र महाराज 3 जून तक पुनर्वसु में रहेंगे, 3 जून के बाद पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो शुक्र मजबूत होगा। दोनों के नक्षत्र के अनुसार स्थिति देखें तो शुक्र इस कुंडली में आपके मेष राशि, मेष लगन में शुक्र महाराज मजबूत हो रहे हैं मंगल की अपेक्षा, इसलिए शुक्र भारी पड़ेंगे मंगल पे। 7 जुलाई तक ये 3 जून को पुष्य में जा रहे हैं, 17 जून तक पुष्य में रहेंगे, 17 जून को अश्लेषा में जाएंगे। अश्लेषा में भी शुक्र जाएंगे तब भी बलशाली रहेंगे, क्यों, क्योंकि मित्र ग्रह बुध का नक्षत्र है। ठीक, तो सर्वाधिक जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा शुक्र मंगल युति का, वह 17 जून के बाद प्रभाव पड़ेगा। नोट कर लीजिए, डेट टू डेट, इतना सूक्ष्म डिटेल अन्यत्र यूट्यूब जगत में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए पुनः विनम्र अनुरोध है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लो।
कोई भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत उसकी जानकारी आपको मिल जाए, इसलिए घंटी को ऑन कर लीजिएगा। अब जब ये दोनों अश्लेषा में जाएंगे, अश्लेषा का मतलब फंसा देना, अश्लेषा का मतलब बंधन में डाल देना। शुक्र बंधन में, शुक्र बांधेगा, मंगल ऑलरेडी कमज़ोर है, मंगल लड़ रहा है बुध से, शत्रुओं से, और शुक्र वहाँ फंसाने का काम करेगा। तो देखिए जब शुक्र प्रबल होने लगे ना तो मंगल को अपनी ओर खींचते हैं, और मंगल प्रबल होने लगे तो शुक्र को अपने अनुसार खींचते हैं। तो यहाँ प्रेम आपको अपनी ओर खींचेगा, आपके व्यक्तित्व पे शुक्र हावी होगा, आपके अंदर लव वाला जो कीड़ा है ना वो पनपेगा, प्रेम की ओर भागेंगे, आपका मन चंचल होगा, मन भटकेगा। कहाँ भटकेगा? आपके घर के आसपास ही भटकेगा, बहुत दूर भी नहीं जाएगा, मोहल्ले में भटकेगा, जहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे भटकेगा। तो यह स्थिति आपके लिए थोड़ी सी बंधनकारी है, क्योंकि अश्लेषा बांध देता है। और मज़े की बात बताऊँ, आपके कुंडली में जो प्रेम का स्वामी है, जो प्रेम का स्वामी है सूर्य नारायण, वो भी 21 के बाद चले जाएंगे आर्द्रा में। कहाँ जाएंगे? आर्द्रा में। तो 21 के बाद आर्द्रा में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 21 के बाद आर्द्रा में जा रहे हैं। तो उसके पश्चात आपका जो प्रेम है बंध रहा है, दबाव प्रेशर बन रहा है। तो भाई ये जो समय है सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का है, मोबाइल को प्रेम के पथ पर मत ले आओ, वरना घर में तनाव अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। प्रेम के छड़ों को कैद करना है तो मन और मस्तिष्क में कैद करो, प्रेम के क्षणों को राहु के द्वारा कनेक्ट करने की कोशिश मत करिए। राहु क्या है? मोबाइल। राहु कलयुग का राजा है ना, और आजकल कलयुग का राजा देखिए देर रात हम मोबाइल लेके देखते हुए सोते हैं, प्रातःकाल उठते ही पहले प्रभु का स्मरण नहीं करते, पहले मोबाइल लेके ही देखते हैं किसका मैसेज आया। तो राहु इसीलिए कलयुग का राजा कहा गया है, क्योंकि मोबाइल ही हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र चल रहा है। जब भी आप देखो मोबाइल, बात कर रहे हैं मोबाइल, तो मोबाइल में यदि आप प्रेम को कैद करते हैं तो यह आपकी फ़ोटो वीडियो वायरल हो सकती है, और इस समय शुक्र खींचेगा, अन्यत्र खींचेगा, क्योंकि जो बुध का नक्षत्र है वो कष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रहा है। छठवां अवैध संबंधों का है, छठवां विवाह के इतर संबंधों का है। तो जब 17 जून के बाद से लेके 1 जुलाई तक का जो समय है वो विवाह से इतर चले जाने का है। होता क्या है, घर में अगर पेट नहीं भरता तो आदमी होटलबाजी करता है। तो यहाँ पे शुक्र ऐसी कुछ स्थितियों में होगा, जीवन साथी कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा कि कहीं ना कहीं आपका मन भटक जाएगा। क्षणिक है, ज़्यादा दिन तक मन भटकेगा नहीं। सूर्य नारायण राहु के आर्द्रा में जा रहे हैं, रुला दिए जाएंगे, प्रेम रुला देगा। इसलिए प्रेम को दूर से प्रणाम करिए, उसको बोलिए नहीं, सही मार्ग से अगर आप आते हैं तो आपको अंगीकार करेंगे, गलत मार्ग से आते हैं तो अंगीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राहु महाराज आपके लगन में बैठे हुए हैं, केतु महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, स्वाति नक्षत्र में, दाम्पत्य जीवन को कट कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तलाक की कंडीशन को उत्पन्न कर देंगे। यद्यपि अच्छा ये है कि ये दोनों का एक एक भाव शुभ भाव है, लगन है और आपका परिवार, लगन और परिवार, आपका खुद का व्यक्तित्व और परिवार दोनों को समेटे हुए है, लेकिन अष्टम भाव के कारकत्व को लेके गुप्त पीड़ाएं तो मिलेंगे, ठीक है ना। गुप्त पीड़ाएं कहाँ मिल सकती हैं? घर में और या तो ससुराल में। तो द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः, या लक्ष्मी जी की उपासना, लक्ष्मी जी की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। इसके बाद ये पंचम भाव में भी प्रवेश करेंगे, प्रेम के घर में शुक्र और प्रेम के घर में मंगल, आपका प्रेम शुद्ध होगा। किंतु यहाँ पे संभावना ये बन रही है कि जैसे मघा नक्षत्र में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मघा में। तो मघा में आपके शुक्र महाराज 7 जुलाई को प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन मंगल महाराज 1 जुलाई को ही प्रवेश कर जाएंगे, श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। यहाँ पे मंगल अत्यंत मजबूत होगा, लग्नेश मजबूत होगा, आप आगे लेके बढ़ोगे प्रेम को, सौर्य प्रेम का हरण करेगा, सौर्य की वजह से आपको प्रेम होगा, आपके व्यक्तित्व के वजह से लोग आपके पीछे आएंगे। किंतु 17 जून से 1 जुलाई तक का जो समय है वो शुक्र आपको खींचेगा, क्योंकि शुक्र हर तरह से बली है, एक तो स्त्री राशि में है, दूसरा जल तत्व में है, तीसरा बुध के नक्षत्र में है। तो ये तीन तीन पॉइंट ऐसे बन रहे हैं, और एक बात यहाँ पे और बन रही है जो खास बात आपको ध्यान देना चाहिए,
इस समय वर्तमान में जो गोचरी स्थिति बन रही है, शुक्र मंगल चतुर्थ में होंगे और शनि महाराज एकादश भाव में होंगे। तो ये जो है शनि से आपका जो शुक्र मंगल है छठवें है और मंगल से शनि आठवें है, ठीक है ना। खडाष्टक योग बन रहा है तो खडाष्टक योग भी परेशानी देने वाला होता है, इसलिए धीरज धरोह उतरोह पारा, धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। शुक्र को संतुलित रखने के लिए गाय को नित्य गुड़ रोटी देना शुरू करिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए, बेहतर परिणाम मिलने वाला होगा। चलिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे करते हैं।